बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है हम बिजनेस एनवायरनमेंट देखने लगे। अब थोड़ा सा जो है वो पहले इस पे मेरी थोड़ी सी बात सुने। ये एनवायरनमेंट एनालिसिस हमें करने पड़ते हैं और ये कंटिन्यूस ऑन गोइंग बेसिस पे एनवायरनमेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं। ऑन गोइंग बेसिस पे एनवायरनमेंट एनालिसिस करने पड़ते हैं। बात ये होती है कि एक बिजनेस का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक बिजनेस का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। इंटरनल जो विद इन बिजनेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक्सटर्नल जो आउटसाइड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनल जो एनवायरनमेंट है माइक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं और जो आउटसाइड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसे मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है या माइक्रो एनवायरनमेंट है इसकी स्टडी को स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। यानी इन दोनों को कंबाइन इकट्ठा करके अप्लाई करने को स्वॉट भी कहते हैं। स्वॉट क्या होता है? स्ट्रेंथ वीकनेस। तो बिजनेस के इंटरनल में जो आपके प्लस पॉइंट है इंटरनल प्लस और इंटरनल जो प्लस पॉइंट है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो वीक पॉइंट इंटरनली है वो आपकी वीकनेस है और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके प्लस पॉइंट आपके पास अपॉर्चुनिटी, उसके वीक पॉइंट जो है नेगेटिव पॉइंट जो है वो आपके लिए थ्रेट है। कि इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है, एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट होती है। इन चारों के एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट कंबाइन करेंगे तो इसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। तो ये एनवायरनमेंट एनालिसिस या स्वॉट एनालिसिस करते क्यों हैं? कि बिजनेस ने जब भी कोई स्ट्रेटजी फॉर्म करनी होती है, लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करनी होती है, डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी कि हम कैसे किस तरफ अपने रिसोर्सेज को पुट करें, तो उसे पहले अपने एनालिसिस करने पड़ते। बिल्कुल ऐसे ही याद रखिएगा, इंसान अपनी स्ट्रेंथ पे जो है वो प्ले करता है वो सक्सेसफुल ज्यादा होता है, वीकनेस की परवाह नहीं करते होते। कहीं पे ऐसा नहीं होता कि स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है वीकनेस कोई नहीं है। हर पर्सन में स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी है, जैसे आप मैं हम स्ट्रेंथ भी है वीकनेस भी। तो आप अपनी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ नोट करें, उसकी बेस पे आप पेपर प्रिपेयर करने शुरू करें, आप पास होना आसान हो जाएगा। मसला ये होता है कि आपके साथ क्या होता है कि आप 99% सिलेबस आपको आ रहा होता, 1% फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं पढ़ा होता और आपकी सारी फिक्र उस 1% पे होती है। इधर होना सवाल आ जाए वो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है कि मुझे तो आता ही कुछ नहीं है। तो वो 99 जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़ के वीकनेस के पैसे पीछे ऐसा पड़ते हैं, थ्रेट के पीछे ऐसा पड़ते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज कर जाते हैं। तो भाई आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस किया करें, फिर आपकी लाइफ झींगा लाला होगी। झींगा लाला होना बड़ी जरूरी होती है लाइफ। तो बैनर बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस में फर्स्ट एनालिसिस जो अकॉर्डिंग टू मतलब जो है ना ये तो इसमें बिजनेस सॉरी ये फर्स्ट एनालिसिस जो है तो ये पेस्टल मॉडल है। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के होते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट एनालिसिस से। पेस्ट ये पेस्ट होता क्या है? ये आपने सुना होगा पेस्टल फैक्टर भी कहते हैं इसे। पेस्ट पुराना पेस्ट था, न्यू फिर इसमें ईएल का इजाफा हुआ था, पेस्टल हुआ। तो इसमें ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर के एनालिसिस है, इकोनॉमिक एनालिसिस है, सोशल एनालिसिस है, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस है, एनवायरनमेंट एनालिसिस है, लीगल एनालिसिस है। इसके सामने मैं आपकी जगह हूं ना, तो मैं इसके सामने प्लस माइनस बना दूं कि पॉलिटिकली कौन सी चीज आपकी फेवर में वो प्लस है, जो पॉलिटिकली आपके एडवर्स है वो माइनस है। इकोनॉमिक में जो फैक्टर आपके फेवर में है वो प्लस है, जो आपके नेगेटिव में है वो आपके लिए थ्रेट है। प्लस माइनस मैं बनाता रहता, प्लस पॉइंट आपकी अपॉर्चुनिटी है और जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, फर्स्ट पी और एंड का एल। पहले तो एक बात मेरी आपने याद रखी है, ये नहीं बोलने, जब भी किसी भी एनालिसिस के लिए कोई भी मॉडल इस्तेमाल करते हैं ना तो ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैप के मतलब क्या होता है? एक चीज के ऊपर दूसरी आ जाती है। कैसे? कि एक हो सकता फैक्टर वो पॉलिटिकल भी हो लेकिन वो इकोनॉमिक भी हो,
तो इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप चाहे पॉलिटिकल में लिखते हैं, चाहे इकोनॉमिक में लिखते हैं, चाहे दोनों में लिखते हैं, तो कोई मसला नहीं है, आपने कोई बेहरमती नहीं की किसी चीज की, ठीक। तो यानी ये इस तरह की चीजें मैटर नहीं करती। अब पॉलिटिकल लीगल फैक्टर जो होते हैं ये क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जितने भी लॉस हैं वो सारे के सारे आखिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिश करती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जो है वो पॉलिसीज होती है, हर गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज है। जैसे आप सुनते हैं नहीं पीएमएलएन आए उसकी पॉलिसीज, ये पीटीआई की पॉलिसीज, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज, पॉलिसीज हर गवर्नमेंट की अपनी है। कोई एग्रीकल्चर फ्रेंडली है, कोई इंडस्ट्री फ्रेंडली है, और कोई होम फ्रेंडली है, मतलब हर पर्सन की अपनी एक पॉलिसी होती है। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट किस तरह क्या करती है, अभी जिस समय मैं आपके सामने बैठा हूं, तो आज से कुछ अरसा पहले के इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो उसको वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, और कंस्ट्रक्शन में जो है वो बहुत सारी सब्सिडी अनाउंस कर दी गवर्नमेंट ने। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है जिससे उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। तो इस तरह चीजों को जो है वो देखते होते हैं कि पॉलिटिकल पॉलिसीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज वो भी इंपॉर्टेंट होती है, और पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह लॉ बनाती है, जो लॉ जैसे आप एंटी स्मगलिंग लॉ एक पीछे बनाए, ठीक, तो इसी तरह ये कि वो आपने देखा कि वो लॉ बनाया है कि जिसमें वो क्या कहते थे कि आप स्टोर नहीं कर सकते, जखीरा नहीं कर सकते नेसेसिटी ऑफ लाइफ की गुड्स को। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं। तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट अफेक्ट करती है हर चीज को, करती है, ये इन्फ्लुएंस करती है लीगल फ्रेमवर्क पे भी जो लॉस प्रोड्यूस किए जाते हैं, और गवर्नमेंट कैन टेक ए पर्टिकुलर स्टैंस ऑन इशू, स्टांस ऑन डायरेक्ट रेलिवेंस टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इशू है तो गवर्नमेंट का स्टांस, स्टांस का मतलब तो उसकी स्टैंडिंग होती है हर एक उसके बारे में, अपॉर्चुनिटी मतलब कि वो उसका मतलब क्या स्टैंड है, वो गवर्नमेंट इसके बारे में कैसे सोचती है। गवर्नमेंट ओवरऑल कंडक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इज रेलिवेंट टू बिजनेस, इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट बजट बनाती है, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी जो है ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की वजह से बनते हैं। लेकिन बहरहाल लॉ, लीगल एनवायरमेंट और रेगुलेशन ये तो बनाती ही गवर्नमेंट है। ये इधर से सॉरी मुझे एक मिनट थोड़ा टाइम एक सेकंड के लिए दिए, मैं ये डिस्टर्ब कर बैठा हूँ, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हो ना, चलो खैर है कोई नहीं, बिजनेस फ्रेंडली तो हो ना। तो बहुत सारे लीगल फैक्टर्स होते हैं जो कंपनीज पे अप्लाई होते हैं लॉ, जैसे जनरल लीगल फ्रेमवर्क होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, एजेंसी लॉ, ये कुछ पढ़ने हैं आपने, ये तीनों लॉ आपने पढ़ने हैं कहाँ पे जाके लॉ के पेपर में, जिसका पुराना नाम जो है फोर होता था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज होता है कि दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट, जैसे आपकी कंपनी का सप्लायर से, आपकी कंपनी का कस्टमर से, आपकी कंपनी का एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट। टॉट होता है मतलब सिविल रॉन्ग कहते होते हैं, टॉट होता है सबसे ज्यादा रिलेटेड विद एम्प्लॉय नेग्लिजेंस, कि एम्प्लॉय अगर नेग्लिजेंट होता है तो एम्प्लॉयर पे केस होता है, इसे वैकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। तो टॉट एक्शन के रिलेटेड, या इसमें यह कि किसी का नाम या ब्रांड नेम वगैरह जो है मिस यूज करना है। एजेंसी एक्ट होता है जब एक पर्सन दूसरे के पे आप पे काम करता है, तो ये सारे लॉस जो है वो आप पे अप्लाई होते हैं ना, आप बिजनेस की जितनी ट्रांजेक्शन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपके एम्प्लॉयज जो एक्शन करते हैं उस पर टार्ट नेग्लिजेंस की एबिलिटी है, आपके एम्प्लॉयज जो काम करते हैं या डायरेक्टर काम करते हैं वो एजेंट है, वो अंडर एजेंसी लॉ आ जाते हैं, तो ये बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं। लॉ एक्सटर्नली चेंज होगा, आपकी कंपनी खुद तो नहीं लॉ चेंज करेगी, तो लॉ हो सकता है पहले से कम्प्लेक्स होते हो सकता है पहले से ईजी होते। फिर क्रिमिनल लॉस भी होते हैं, बहुत सारे लॉ क्रिमिनल, नॉर्मली बिजनेस का क्रिमिनल लॉ से ऐसे कोई तल्लक नहीं होता क्राइम से, जुर्म से, लेकिन ये जो होते हैं इनसाइडर डीलिंग वगैरह के एक्शन, इनसाइडर डीलिंग क्या होती है कि बिजनेस की इंटरनल इंफॉर्मेशन की बेस पे शेयर को बाय करना या सेल करना, ये क्रिमिनल आता है। ये ब्राइबरी वगैरह जो बिजनेस रिश्वत दे या ले, तो ये डिसेप्शन फ्रॉड वगैरह ये फर्दर बातें आती रहेगी। कंपनी लॉ, कंपनी रजिस्टर्ड ही अंडर कंपनी लॉ होती है, तो ऑपरेट भी अंडर कंपनी लॉ होती है, शेयर इशू भी अंडर कंपनी लॉ करती है, उसकी मैनेजमेंट भी अंडर कंपनी लॉ होती है, तो ये लॉ भी आपके अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉयमेंट लॉ आपके एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन पे, हेल्थ एंड सेफ्टी इज आल्सो रिलेटेड विद द एम्प्लॉय, कि जिस एम्प्लॉय को आपने भर्ती किया, रिक्रूट किया, आप उसको हेल्थ एंड सेफ्टी की केयर करेंगे।
डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है इंडिविजुअल से रिलेटेड, जैसे आपके एम्प्लाइज की इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन, उसका मिस यूज नहीं करेंगे, ये सारे क्रिटिकल गवर्नमेंट लॉस बनाती है। मार्केटिंग एंड सेल के रिलेटेड जैसे मतलब हाइपर कंपटीशन वगैरह के एक्ट होते हैं, मोनोपोली के एक्ट होते हैं कि कोई एक बिजनेस मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता, कंपटीशन करते फेयर कंपटीशन होना चाहिए। एनवायरमेंट से रिलेटेड एंटी पोल्यूशन लॉ वगैरह जो होते हैं, टैक्स लॉ के टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये जाहिर सारे के सारे जो है वो पार्ट होते हैं जो आप पे अप्लाई होते हैं। गवर्नमेंट पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं ये बिजनेस, इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट का मतलब इन्फ्लुएंसिंग ऑन गवर्नमेंट, इन्फ्लुएंसिंग ऑन गवर्नमेंट, बिजनेस भी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस करते हैं। जब गवर्नमेंट किसी लॉ बनाने की तरफ जाती है तो बिजनेस उस पर लॉबी क्रिएट कर लेते हैं, वो एमएनएस को, वो मतलब मुख्तलिफ एमएनएस को, सेनेटर को अपने साथ मिला के उनकी लॉबी क्रिएट, जैसे पाकिस्तान वाले लोग जो है वो अमेरिका में जो सेनेटर लोग हैं उनसे रिलेशन बना के लॉबी क्रिएट कर लेते हैं कि इसको रिलीफ मिलता रहे। तो फिर ये कि इस तरह आप कई मतलब बिजनेसमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरशिप ले लेते हैं, ये जो सेनेटर बनते हैं ये बिजनेसमैन ही बनते हैं, पैसे लगा के सेनेटर बन जाते हैं ताकि लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, अपनी इंडस्ट्री से रिलेवेंट लॉ बनाए, और या फिर एडवर्टीजमेंट कर करके पब्लिक ओपिनियन जो चेंज कर लेते हैं कि हमारे साथ जुलम हो रहा है, शुगर माफिया के साथ बड़ा जुलम हुआ है, तो ये इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन पे भी कर सकते हैं, बिजनेस पे इम्पैक्ट होते ही होता है। एक लॉ हमसे रिलेटेड जो है वो जिस तरह ये एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन जो होती है ये एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंडर आती है, कहता तो लॉ में है कि एम्प्लॉई को जो है वो आप डिसमिस जब करते हैं तो तब एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन स्टार्ट होती है। अब एम्प्लॉई जो है वो देखिए एक तो रिटायर्ड हो जाता है टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, वो एज के हिसाब से रिटायर्ड हो जाता है, फिर तो वो केस नहीं कर सकता, लेकिन जब उसे डिसमिस करते हैं तो वो दो केस कर सकता होता है, एक रॉन्गफुल डिसमिसल का, एक अनफेयर डिसमिसल। रॉन्गफुल डिसमिसल ये होती है कि जब एम्प्लॉयर उसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर मतलब जो है उसे बगैर नोटिस के डिसमिस करता है, यानी जब एम्प्लॉयर ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी पे डिटरमिनेट की थी 15 और अब मैं कहूँ हालात ठीक नहीं आप 30 ले लो, तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल, ये डिसमिसल कर देता हूँ, आप नहीं एडमिट करते मैं आपको डिसमिस कर दूँ, तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल। या मैंने आपको लाहौर में अपॉइंट किया था, अभी मैं आपसे कहता हूँ आपकी कराची ड्यूटी है, आप नहीं मानते मैं डिसमिस कर दूँ, तो ये रॉन्गफुल डिसमिसल। कि जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ होता है उसके अगेंस्ट रह के जब भी किसी को निकाला जाए तो उसे रॉन्गफुल डिसमिस कहते हैं। और अनफेयर डिसमिस होता है कि डिसमिस द एम्प्लॉई विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन, कि एम्प्लॉई को आप डिसमिस करते हैं लेकिन उसकी रीजन जो है वो अनफेयर है, जस्टिफाइएबल नहीं है, गलत रीजन, अनफेयर ग्राउंड है। अब अनफेयर क्या है, ये तो हर बंदा ही कहता है मेरे साथ अनफेयर हुआ, वो तो आदत है, लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करती क्या चीज अनफेयर है कौन सी अनफेयर नहीं। जस्टिफाई ग्राउंड तो होती है ना कि अगर कोई एम्प्लॉई मिसकंडक्ट करता है, डिसओबीडिएंट होता है, या उसमें कैपेसिटी नहीं होती काम करने की, नेग्लिजेंट है, ठीक, ये ब्राइबरी करता है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो आप उसको निकाल दो तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अनफेयर डिसमिस की कैसे है कि जैसे कोई फीमेल आपके पास एम्प्लॉई है वो प्रेगनेंट होगी, आपको पता है आप इसे छुट्टियां देने पड़ेगी, आप इस वजह से निकाल दिए, कोई पर्सन आपने उसे ओवर टाइम का काम, वो ओवर टाइम पे एग्री नहीं था, आपने इस वजह से उसे निकाल दिया, ये भी अनफेयर डिसमिस होती है। कुछ पर्सन ने विसल ब्लो की थी, यानी कंप्लेन की थी हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन पे आपकी कंपनी की, तो आपने इस वजह से उसे ट्रेड निकाल दिया। कोई पर्सन ट्रेड यूनियन में इन्वॉल्व है, यानी लेबर यूनियन में, आपने इस वजह से निकाल दिया कि यूनियन के तुम मेंबर हो, तो ये अनफेयर डिसमिस होती है। जब एम्प्लॉई को डिसमिस करते हैं ना तो उसके दो तरीके होते हैं, एक समरी डिसमिस होता है और एक कंस्ट्रक्टिव डिसमिस होता है। समरी होती है कि एम्प्लॉई डिसमिस विदाउट नोटिस, बगैर प्री इंफॉर्मेशन के आप एम्प्लॉई को अचानक निकाल दो, ये समरी डिसमिस है। और जो अनफेयर डिसमिस होती है ना वो डिफरेंट होती है, सॉरी समरी और दूसरी कंस्ट्रक्टिव होती है। कंस्ट्रक्टिव डिसमिस होती है कि चेंज द एम्प्लॉई सर्कमस्टेंसेस, एम्प्लॉईज एम्प्लॉयड टू रिजाइन फ्रॉम अ कंपनी, कि एम्प्लॉई के ऐसे हालात कर दे कि एम्प्लॉई खुद ही रिजाइन दे के बाद,
यानी कंस्ट्रक्टिवली आप उसको जो है वो नकार रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कि रिजाइन पर मजबूर कर दो। मुझे जा रहा जब एक पर्सन जो है वो लाहौर में सेटल, उसकी फैमिली सेटल, आप कराची भेज चुके वो नहीं जाएगा, तो आपके लिए आपने काम ही उधर करना, नहीं इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं, आप उसे डिसमिस ना भी करो तो वो खुद छोड़ के चला जाएगा। ये सब जो है कंस्ट्रक्टिव डिसमिस होती है। डिसमिस के भी केस होते हैं, ये डिसमिस इम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में बकायदा ये कोर्ट जाते होते, नॉर्मल कोर्ट में ये केसेस फाइल नहीं होते, इम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाके एम्प्लॉई को ये साबित करना पड़ता है कि मुझे अनफेयरली जो है वो डिसमिस किया है। रेडंडेंसी होती है, रेडंडेंसी होती है कि टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर इज डिक्रीज, कि इस वजह से एम्प्लॉई टर्मिनेट हुआ कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को अब उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉई नहीं चाहिए, अब उसका बिजनेस साइज कम हो गया, उसकी कोई ब्रांच थी, ब्रांच उसने एक बंद कर दी, एक एरिया ऑफिस बंद कर दिया या एक प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया, तो यानी जितने पहले बंदे चाहिए थे अब उतने बंदे नहीं चाहिए, तो इसे रेडंडेंसी कहते हैं। तो एम्प्लॉई रिडेंडेंट भी होता है ना, जब आप बिजनेस इवन आपका बिजनेस बंद हो जाए या पार्ट ऑफ बिजनेस बंद हो, इस वजह से जितने भी एम्प्लॉई टर्मिनेट होते हैं वो सारे रिडेंडेंस का केस फाइल कर सकते हैं। फिर हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होता है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होता है, पर्सनल डेटा के एम्प्लॉइज का डेटा, कस्टमर सप्लायर का डेटा, इंडिविजुअल डेटा, इसमें तीन टर्म होती है, पर्सनल डेटा, डेटा यूजर, डेटा सब्जेक्ट। डेटा सब्जेक्ट तो जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो डेटा सब्जेक्ट, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट फॉर्म पे फिल करके आप मुझे देते हो तो आप डेटा, डेटा क्या है वो सब्जेक्ट है, और मैं डेटा यूजर हूँ, ऑथराइज्ड पर्सन फॉर द यूजेज ऑफ डेटा, आपने मुझे ऑथराइज किया मैं आपका डेटा यूज कर सकता हूँ, तो ये ऑथराइज मैं डेटा यूजर हूँ, और जो कुछ आपने फॉर्म पे स्टूडेंट फॉर्म पे लिखा वो आपका पर्सनल डेटा है, मैं उसको लीक नहीं कर सकता, उसमें आपकी एज क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी रेजिडेंस क्या है, एड्रेस क्या है, या आपका मतलब प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जो होता है ना डेटा यूजर, यानी कंपनी डेटा यूजर होती है, कंपनी डेटा यूजर होती है तो वो डेटा को लॉफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनलॉफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी जिस पर्पज के लिए परमिटेड है उसे वो डेटा किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकते, वो डेटा में किसी किस्म की जो है वो चेंज नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, मतलब डेटा, क्योंकि असल वो राइट डेटा सब्जेक्ट का होता है, डेटा सब्जेक्ट की मर्जी के बगैर वो डेटा को चेंज नहीं कर सकते, और जब यूज उसका खत्म हो जाएगा तो उन्हें डेटा श्रेड करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उसको, फर्दर को उसको यूज भी नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल डेटा के कुछ बारे में नोट बने हुए हैं। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ होता है, ये एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए होता है, वर्कफोर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी की, उसे डिजीज कोई ना हो, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी इशू कोई ना हो, तो इसमें एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी भी होती है और एम्प्लॉयज की ड्यूटी भी होती है, ये नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, एम्प्लॉयज की ड्यूटी कोई नहीं है, दोनों की ड्यूटी होती है इसमें। तो एम्प्लॉयज की ड्यूटीज में आ जाता है वर्क प्लेस मस्ट बी सेफ, कि जहां पे काम करना है वो सेफ प्लेस होनी चाहिए, ठीक, द वर्क एनवायरमेंट मस्ट बी सेफ एंड हेल्दी, एनवायरमेंट भी सेफ हो, प्लेस भी सेफ हो और उसके अंदर का एनवायरमेंट भी सेफ हो, ठीक, प्लांट एंड मशीनरी को प्रॉपर मेंटेन किया जाए, यानी होता है ना किसी बेल्ट में हाथ ही ना किसी का आ जाए तो उसको प्रॉपर बेल्ट किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए, उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाए, एम्प्लॉइज को उससे सुपरवाइज किया जाए कि वो कर भी रहे हैं कि नहीं किए, हेल्थ एंड सेफ्टी के मुताबिक उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स को कम्युनिकेट किया जाए, रिस्क असेसमेंट अगेन एंड अगेन की जाए, क्योंकि रिस्क असेस करेंगे तो आप उस पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई कर देंगे ताकि कोई भी पर्सन उसके मुताबिक जो है वो काम कर सकेंगे, उससे अलहदा जो है वो काम नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बताया ना कि ये वो चीज है कि इम्प्लॉय की भी ड्यूटी है, इम्प्लॉय की ड्यूटी है कि रीजनेबल केयर से काम करे, कि ये नहीं खुद वो अपने आप को खतरे में डाले, रीजनेबल केयर में काम करे, कैसे काम करे, एम्प्लॉयर जो इंस्ट्रक्शन देता है उसके हिसाब से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, कहीं पे रेकलेसली जो है नेग्लिजेंट होकर काम ना करे, कहीं पे भी अगर किसी किस्म का डेंजर फील होता फौरी तौर पर अपने एम्प्लॉयर को जो है वो इस पे इंफॉर्म करे ताकि एम्प्लॉयर उस पर जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले। फिर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ये भी एक लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इसे वो कहते होते हैं कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब हम लेते होते हैं बाइंडिंग एग्रीमेंट,
इसे वैलिड एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिस एग्रीमेंट में कोर्ट में केस हो सकता हो वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तीन एलिमेंट्स होते हैं, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। वो तीन थ्री एलिमेंट्स कौन से होते हैं? नंबर वन तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट का मतलब ऑफर एक ने की और दूसरे ने उसे एक्सेप्ट किया हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने गाड़ी सेल करनी है, आप कहते हो ठीक है जी मैं खरीद लेता हूँ, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसे एग्रीमेंट कहते हैं। दूसरी इसमें जो है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होती है बेनिफिट एक्सचेंज ड्यू टू एन एग्रीमेंट, कि जो आपस में फर्ज पर गाड़ी सेल करनी मैं आपको गाड़ी दूंगा आप उसके अगेंस्ट माउंट देंगे, तो ये पैसे और गाड़ी जो है ये कंसिडरेशन का जो चीज ली दी जा रही है। और तीसरा इसमें होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं तो इसका मतलब दोनों पार्टियों की इंटेंशन होनी चाहिए कि हमारे दरमियान जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो लीगल है। मेज अगर एक ना करेगा तो दूसरा कोर्ट के थ्रू से इन्फोर्स कर लेगा। नॉर्मली ये जो कमर्शियल डील्स होती हैं, कारोबारी डील होती है, ये इंटेंशन होती है इसमें लीगल की। लेकिन जो फैमिली डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं, जैसे बाप बेटे के प्रॉब्लम या माँ मियाँ बीवी के प्रॉब्लम, तो उनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। तो कमर्शियल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। फिर इसमें जो है फर्दर एक लॉ आ जाता है जिसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहते हैं। सेल ऑफ गुड्स की प्रॉपर एक एक्ट है, कानून है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बना है। कंज्यूमर का मतलब होता है, देखिए कस्टमर दो तरह का होता है। कस्टमर किसको कहते हैं? जो चीज को परचेज करता है। कस्टमर दो तरह का होता है, एक कंज्यूमर होता है कि जो चीज को परचेज करता है यूज पर्पस के लिए, और एक नॉन कंज्यूमर होता है कि जो चीज को परचेज करता है फॉर सेल पर्पस। तो ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, जो चीज को परचेज करते हैं कंज्यूम करने के लिए। तो इसमें ये कहते हैं कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहता है कि जब कंज्यूमर को कोई चीज सेल की जाती है तो चाहे आपस में डिस्कस हो या ना हो, तो चीज को क्वालिटी के अकॉर्डिंग हर सूरत होना चाहिए। ये इम्प्लाइडली विदाउट एक्सप्रेस की कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी हो, अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन जैसे डिस्क्राइब की वैसे हो, अकॉर्डिंग टू सैंपल्स जो सैंपल दिया उसके मुताबिक हो, फिट फॉर पर्पज जिस काम के लिए ले रहे हैं उसके लिए वो फिट हो, और टाइटल ट्रांसफर के उसकी मलकियत भी वो चीज क्योंकि सेल हो गई है तो उसकी मलकियत भी ट्रांसफर हो, कोई भी पर्सन इस लाइबिलिटी से मतलब जो है बच नहीं सकता। ठीक। फिर पॉपुलेशन एंड द लेबर मार्केट, ये जो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड लेबर मार्केट ये रिलेटेड विद दैट जिसे डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं। जब भी आपसे ये ना मैंने कहा नहीं था कि पेस्टल में तीन सिक्स फैक्टर है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, तो सोशल फैक्टर को कहते हैं पॉपुलेशन एंड लेबर मार्केट एनालिसिस। इसे सोशल एनालिसिस भी कहते हैं, इसे डेमोग्राफिक एनालिसिस भी कहते हैं। यहां पे लिखना तो आपको जरा आसान रहेगा, सोशल भी कहते हैं ठीक, और इसे डेमोग्राफिक भी कहते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक एनालिसिस होते हैं, आबादी के एनालिसिस, पॉपुलेशन के एनालिसिस, इसमें लोगों की एज, उनकी जेंडर, ठीक, लेकिन एवरेज एज क्या है, जेंडर, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, लोगों का मतलब जो है कल्चर क्या है, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में है, फैशन क्या है, मतलब लोग जो है एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, लोग स्किलफुल है अनस्किलफुल है, लाइकली टू डू वर्क है या नहीं है, मतलब ये जो आबादी के एनालिसिस होते हैं, डेमोग्राफिक एनालिसिस होते हैं। क्योंकि डेमोग्राफिक एनालिसिस का ना जो है लेबर से बहुत तल्लक होता है, कि हमने लेबर तो हायर करनी होती है ना, तो लेबर जो है उससे बड़ी तल्लक होता है कि लेबर अगर स्किल्ड अवेलेबल एरिया में तो हम रख लेंगे, नहीं अवेलेबल तो कहीं और से मंगवानी पड़ जाएगी, कि इसका कैचमेंट एरिया कहाँ से भर्ती करेंगे, कौन सा भर्ती नहीं करेंगे। लेबर अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल तो उनकी लेबर रेट कम हो जाएगा, पे रेट कम अवेलेबल है तो पे रेट बढ़ जाएगा। सप्लाई लेबर की क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, मतलब लेबर से रिलेटेड है। ये सिर्फ लेबर से नहीं डेमोग्राफिक एनालिसिस का तल्लक होता है, इसका एनालिसिस का तल्लक जो होता है ना वो उससे भी होता है, किससे कहते हैं कस्टमर से। कस्टमर के एनालिसिस करेंगे उसके बिहेवियर के तो फिर ही चीज सेल करेंगे ना, तो यानी पर्सन के सोसाइटी के एनालिसिस को जो है वो डेमोग्राफिक एनालिसिस कहते हैं।
फिर इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। देखें पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल एंड लीगल, फिर सोशल और अब टेक्नोलॉजी का, और फिर पीछे रह जाएगा एनवायरमेंटल। तो टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस जो है कि जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, वो चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड है या प्रोडक्शन प्रोसेस काम करने के तरीके से रिलेटेड है या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस टेक्नोलॉजी ने बिजनेस पे कैसे इम्पैक्ट किया है, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, किस तरह की चीजें जो है, एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट आया, इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फॉर टाइम बीइंग अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।